मम्मी, आपने मेरा फोन देखा है क्या? वो मैं कहीं पे रख के भूल गया हूँ शायद। मैंने लास्ट टाइम बेडरूम में देखा था शायद। लाइट। लगता है अब मुझे मेरा सीक्रेट हथियार चलाना ही पड़ेगा। ये ले। इंडियन फैमिलीज इस संसार की उन असीम शक्तियों में आते हैं जो कभी भी चल के विलुप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ ऐसी असीम सी शक्तियां हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस के पास नहीं होती है। आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता विनगैट। आज तुम्हारा कोई भी एजेंट मुझे हरा नहीं पाएगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। कौन रे? मैं विली गैक्सन। मैं यहाँ पे पृथ्वी कब जा रहा हूँ? नालायक, पता नहीं बड़े से जो कर बात करते हैं। हाँ, ये क्या हुलिया बना के रखा है? घर वाले ने बस घूमना और आवारा गर्दी करना ही सिखाया है क्या? क्या? सॉरी आंटी, आप इसे साफ सुथरा हो गया होगा। ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि तुम आगे चल के इंजीनियर या डॉक्टर ही बनोगे। इनफैक्ट अगर से इनका बस चले तो ये तुम्हें पैदा होते से ही जेई और नीट की तैयारी में भी लगा देंगे। पर मुबारक है आपको। कहाँ है वो? तो जेई नीट की तैयारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं 5 मिनट पहले पैदा हुआ हूँ। ये कोई बहाना है क्या देने का? वो शर्मा जी का बेटा देखा है तूने? उसने पेट में ही डिग्री दे दी। तो अभी वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे लिए वो रिमाइंड नहीं करी थी। लड़कों के लिए ये दुनिया बहुत बेरहम है। You know what? Girls के साथ भी सेम होता है। उसमें क्या? एटलीस्ट तुम्हारे पास प्लान बी तो है। प्लान बी? वो क्या है? शादी। अब इनके हिसाब से दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का हल बस फोन ही होता है। मम्मी, मेरा सर दुख रहा था। और चलाना मोबाइल। मम्मी, मेरा पेट दुख रहा है। और चलाना मोबाइल। मम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और क्या? मुझे आज भी वो डायलॉग याद है मम्मी का, जो मम्मी हमेशा फोन यूज करते टाइम सुनाती है। दिन भर फोन फोन फोन। कभी अपने किताब खोलकर देखी है क्या? नहीं ना। वो कर दिया तो मुझे पाप लग जाएगा ना। वैसे भी पढ़ाई करके किसका भला हुआ है। तू देख बेटा, तू आराम से फोन देख कि तेरी आंख जब तक पीछे से बाहर नहीं निकल जाती ना, तब तक देख। ठीक है, रिचार्ज खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, करवा दूंगी। वेल, सोचने जाएंगे तो ये कितनी सही पावर है। मम्मी, मेरी आंखें सच में बाहर गिर गई। और चलाना मोबाइल। जब कभी भी घर में रिश्तेदार आते हैं ये हमें उनसे बात कराने लगाते हैं, जबकि हमें पता भी नहीं होता कि वो है कौन। बेटा मैं याद हूँ, आपको याद हूँ, बचपन में भी इत्तू से थे, इत्तू से, जब मैं आपको मिलने आता था, याद हूँ? एक बार तो मैंने आपको मस्ती मस्ती में नाले में ढकेल दिया था, पता है क्या? 4 दिन तक नहीं मिले थे आप। उस टाइम मैं सोच रहा था कि ना अंकल का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरी जान के पीछे पड़े थे। अब जो कुछ भी हो, जाते टाइम ये रिश्तेदार हमें कुछ पैसे देकर जाते हैं, पर गेस व्हाट, मम्मी वो भी हमसे छीन लेती है। और अब जब कभी भी हमें इनसे कुछ मांगना होता है, मम्मी वो मुझे पीसी चाहिए था। कितने का होता है वो? यही कुछ 50-60 हजार का।
वो जरा कटोरा इधर देना। 2 seconds later. इसका क्या करोगे? ये लेके स्टेशन पे जाती हूँ, देखती हूँ कोई पैसे देता होगा तो। और अगर पापा के पास जाते हैं? पापा नहीं, पर पापा नहीं बोला ना। और वही देखो, घर वालों के चलते तो हमें लड़की पट नहीं से रही, क्योंकि इनकी 24/7 नजर जो रहती है हमारे ऊपर। घर से बाहर जाते ही ये तुम्हें 10 बार कॉल करेंगे, और अगर इन्होंने किसी दिन तुम्हें पकड़ लिया। कौन है? हेलो आंटी, सोनिक घर पर है क्या? है ना सोनिक, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? स्वास्ति। स्वास्ति, अरे मम्मी आप जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरी क्लासमेट है। सिर्फ क्लासमेट्स? अरे मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ, बस क्लासमेट्स है, आप मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा तो फिर ये बस क्लासमेट है ना? स्वास्ति बेटा, फिर तुम इसके हाथ में राखी बांध दो। मम्मी! तुमसे किसी ने कुछ पूछा क्या? स्वास्ति बेटा तुम राखी बांध रही हो ना? हाँ क्यों नहीं आंटी। चन से जो टूटे कोई सपना। छोड़ो ना, वैसे भी तुम्हारा कोई चांस नहीं बनता था। मुझे किसी और की क्या जरूरत जब मेरे पास शिल्पा मैम है। Seriously? घर से बाहर जाते ही ये तुम्हें 10 बार कॉल करेंगे, और अगर से तुमने एक भी कॉल मिस कर लिया तो ये समझ लेंगे कि तुम लड़की घुमा रहे हो, तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हो गया है, या नासा वालों ने तुम्हें अगवा कर लिया है। मम्मी मुझे नासा वालों ने पकड़ लिया है, इन लोगों को पता चल गया कि मेरी आंखें अंदर बाहर होती है। और चलाना मोबाइल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और हाँ वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला है वो मोस्टली मजाक के लिए बोला है, और वीडियो में अगर से कुछ भी पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।